वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राणा और मेरे साथ हैं आशा ईमान। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुख ऑन चैनल सिटी 55। जी, आप भी मेरी तरह परेशान हो गए हैं क्योंकि आज तहमीना मलिक साथ नहीं है, वो बीमार हैं। तो प्लीज़ लिहाजा तहमीना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, उसको जो बुखार है ना वो 1-2-3 दिन में उतर जाए। क्योंकि बस मैं अब क्या बोलूँ, तहमीना हम सब आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप जल्दी से सेहत याब होके आ जाए हम स्टूडियो में वापस और अपना प्रोग्राम दोबारा कंटिन्यू करें ना, क्योंकि आपके बिना रौनक नहीं लग रही। तो हम सब मिस कर रहे हैं, हम आपके बिना बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बोल रहे हैं। तो प्लीज़ तहमीना कम बैक। जी आशा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। एक्चुअली मैं ना आपको पता है, आपको तो पता है तो इसलिए जी आज मुझे ये बताएं कि आज का जो दिन है वो 21 दिसंबर है और 21st डे, और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत पे बात की जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि आज के दिन आप सुबह सुबह आपका क्या जहन होता है, क्या करना चाह रही होती हैं कि आज मैंने ये काम करना है? बिल्कुल, 25 दिसंबर ऐसा दिन है कि जिसमें जो है एक बहुत खूबसूरत दिन कहा जा सकता है, क्योंकि इस दिन हमारे कायद जो हैं इस दुनिया में आए थे। और दूसरी बात ये कि बहुत जोश व खरोश से मनाया जाने वाला दिन है, क्रिसमस भी है उसके साथ साथ। जी बिल्कुल जी, क्रिसमस भी है, एक दिन में दो सेलिब्रेशन, एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे सेलिब्रेशन और दूसरा क्रिसमस डे सेलिब्रेट। जी, जिन लोगों हम क्रिसमस वालों को बोलेंगे कि आपको आपकी ईद बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह पाक आपको आपकी बहुत सी आपको खुशियाँ नसीब करे, आपकी जो जो दुआएँ हैं, जो जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। और आज के दिन जिन लोगों की बर्थडे है उन लोगों को भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। जी आशा, जी मैं बात कर रही थी कि आपने मुझसे पूछा कि किस तरह दिन गुजारनी है या किस तरह से दिन की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत ही, जब दिन ही अच्छा हो तो शुरुआत उसकी उस तरह से अच्छी ही होती है। मेरे ख्याल से कि जो ये दिन है हमें बिल्कुल हमें ये जो दिन है ना मिल के सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ अ केयरिंग, और मज़ा ही तब आता है जब हम सब मिल के बैठे और गॉसिप्स हों। ज़रूरी नहीं है कि अपनी फ़नी गॉसिप्स हों, हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात कर सकते हैं कि उन्होंने हमें पाकिस्तान, इतनी मेहनत, काविश, लगन, जदोजहद के बाद हमें पाकिस्तान नसीब हुआ, कितनी मेहनत, कायदे आज़म का इतना खसूसी करदार, उन्होंने क्या 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 सब ने कुर्बानियाँ दी, इस चीज़ का हमें नहीं पता। हमें एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची के शहर कराची में पैदा हुए पूजा जिन्ना के घर। आपके वालिद एक मशहूर ताजर थे। जी आशा जी, और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि ये कायदे आज़म की 143rd जो है बर्थडे सेलिब्रेशन डे है, और जो है ये दिन हमारे लिए उतना ही ख़ास है जितने बाकी दिन होते हैं, लेकिन ये दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। और यहाँ अगर बात करें कायदे आज़म की, तो उन्होंने हमें इतना खूबसूरत वतन दिया, एक हमें आज़ाद कौम, एक आज़ाद जो है एक मिल्लत हमें बनाकर, एक मुझे तो लगता है हमें प्लेट में एक तोहफा मिल गया हुआ है जो उन्होंने हमें बनाकर दे दिया था। और खुद इतनी मेहनत की, बल्कि यहाँ देखा जाए तो उन्होंने अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज किया इस जगह। बिल्कुल, हमारे लिए उन्होंने अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज किया, अपनी सेहत की परवाह भी नहीं की कि उन्हें एक बहुत मुहलिक बीमारी है, एक मुहलिक मर्ज है, उन्होंने बताया तक नहीं है। अगर उस टाइम वो अंग्रेज़ों के नाम मुझे बोलिए शायद चर्ट करके जो भी उसका नाम था, उन लोगों को बता दिया जाता कि मुझे ये मुखलिक मर्ज है, तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान नहीं था हासिल करने देना, उन्होंने लेट से लेट करते जाना था। अगर उन्हें पता चल जाता कि कायदे आज़म को इस वक्त ये बीमारी है, तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान हमें लेने नहीं था देना, उन्होंने कहना था नहीं आज नहीं कल ये बंदा फोत हो जाएगा। लेकिन कायदे आज़म ये वो लीडर होते हैं, ये उनकी शख्सियत, नुमाया शख्सियत का किरदार है कि उन्होंने अपनी बीमारी को भी कहा हैदराबाद बोल दिया, और खूब मेहनत की, काविश की, लगन के साथ काम किया। और कायदे आज़म का नाम जो है ना वो मोहम्मद अली था, बचपन में उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना, फिर उसके बाद हमारे कायद, हम सब के कायद, हम सब के लीडर हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना।
जी आशा जी, अगर यहाँ बात की जाए तो कायद का हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है, हमारी आने वाली नस्लों पर उनका बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें इतना खूबसूरत हमें मुल्क दिया। अगर बात करें कि कायद आज़म जो है उन्होंने, उनकी जहानत इतनी तेज थी कि वो समझ गए थे कि हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उन्होंने अपनी दानिशमंदी से, अपनी अकलमंदी से इस चीज़ को सबको बावर कराया, इस चीज़ से बावर कराया कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमारी आने वाली नस्लें गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगी। और ऐसा ही है, हमें अब गुलामी की ज़िंदगी गुजारना नहीं पड़ रही, हम एक आज़ाद मुल्क की तरह, आज़ाद मिल्लत की तरह जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल आयशा, लेकिन हमने सब कुछ नहीं बताना क्योंकि हमारे साथ आज हमारे गेस्ट भी मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा लेट हैं, वो हमें बहुत इंतज़ार करवा रहे हैं। एक तो उन्होंने हमें बहुत वक्त दिया कि उनका ये बहुत बहुत हम शुक्र अदा करते हैं, एक तो वो लेट है लेकिन दूसरा ये भी हम उनका शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपने इतने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। लेकिन वो कुछ देर तक आ जाएंगे स्टूडियो में हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे और उनसे होंगी कायद आज़म की शख्सियत पर बातें और बेशुमार बातें, और हमें उनसे ही पता चलेगा क्योंकि वो माहिर तलीम हैं शकील अहमद बाजवा। तो हम जानना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि कायद आज़म की शख्सियत के बारे में, कायद आज़म ने कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी कोशिश से पाकिस्तान को हासिल किया। हम ये सारी चीज़ें अपने जो माहिर तलीम हैं शकील अहमद बाजवा, वैसे मैंने जो सस्पेंस है ना वो सारा ख़त्म कर दिया, मैंने पहले ही उनका नाम कोट कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा, आपको बताएंगे कि वो जिस तरीके से आपको बताएंगे, मैं वैसे भी उनकी पर्सनालिटी की ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो इतने अच्छे तरीके से आपको ना डेवलपमेंट करते हैं, इतने अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, इतने मोटिवेट बंदे को करते हैं कि वाकई के बात है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं ना, आप देख के बोलेंगे कि वाकई इनमें बात है। जी आशा जी, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि बाकी दिन भी जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो कायद डे है इसमें हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस बारे में बहुत ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन दें। आजकल की जो जनरेशन है उनको इतना इस बारे में नहीं पता, हालांकि इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो किस तरह, ये पाकिस्तान हमें इसी तरह तो नहीं ना मिल गया, इतनी मेहनत के बाद, इतनी काविशों के बाद हमें ये जाकर मिला है। तो ये ज़रूरी है ना कि अगर हम अपने बच्चों को इस दिन के बारे में पहले से ही बताना शुरू करें, हिस्ट्री और पाकिस्तान बताएं। अच्छा, हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियां दी, जिला वतन हुए, खून की होली खेली गई, बहुत कुछ, के माओ ने जवान बेटे खो दिए, बहनों ने भाई खो दिए, तब जाके हमें पाकिस्तान नसीब हुआ, हम पाकिस्तान में इबादत कर रहे हैं। और मुझे, मैं कहती हूँ कि टीचर्स ने, वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये सारी बातें बताएं कि कायद आज़म का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें पाकिस्तान कितनी मेहनत के साथ मुहैया किया, और आज हम पाकिस्तान में सुख का सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से इबादत कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम पीछे चले जाएं बड़े सगीर के दौर में, हम अपनी मर्ज़ी से इबादत भी नहीं थे। अगर आजकल के हालात देख लिए जाए तो आजकल के हालात में भी यही है, इंडिया में देख लें मुसलमानों को इजाज़त नहीं है उनके मसाजिद में नमाज पढ़ने की, अजान देने की, यहाँ तक कि वो अपनी ईद कुर्बान भी वहाँ पर नहीं मना सकते, नमाज अदा करना भी उनके लिए एक गुनाह के तौर पर जो है माना जाता है। वैसे अगर देखा जाए ना, अभी भी इंडिया में मुसलमानों की अक्सरियत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की नस्बत, इंडिया में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा और मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहे हैं जो दिखाया जा रहा है, वाकई के मुसलमानों पे किस तरह जुल्म सितम होते हैं। अगर आज कायद आज़म होते, वो हमारे मुसलमान भाई भी आज पाकिस्तान में मौजूद होते, कायद आज़म की बदौलत हमें, वो हमारे जो भाई हैं इधर मौजूद होते और वो अपनी मर्ज़ी से इबादत करते, अपनी मर्ज़ी से कुर्बानी देते, सब कुछ हमारी तरह करते, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कि ऐसा कुछ नहीं हो सका। और हर इंसान को, बासियत इंसान को अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक है, और उसे ये हक उससे नहीं छीनना चाहिए। हम कौन होते हैं ये हक छीनने वाले। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कायद आज़म है, और हम कायद आज़म के साथ, कायद आज़म की शख्सियत पे बात कर रहे हैं और बात करते रहेंगे। यहाँ पे हुआ जाता है एक वक्त छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक में
हमारे साथ ब्रेक से आने के बाद हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे और हम उनसे करेंगे कायद आजम की बातें, कायद आजम की शख्सियत पर बातें और उसके साथ साथ कायद आजम का भरपूर साथ उनकी जो बहन फातिमा जिना ने दिया था उस पर भी होगी बात। तो आपने कहीं नहीं जाना, हम लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल, काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कड़ाही, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कड़ाही, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट, बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस, न्यू मार्केट जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला, MD मोहम्मद सज्जाद, 03006436247। जी आशा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेहमान और बहुत ही खास मेहमान जिनसे हमने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है, बड़ी मुश्किल से हमें टाइम मिला है। अब वेट करने के बाद जो है हमें टाइम मिला है इनकी तरफ से, तो क्योंकि हमारे ये जो मेहमान है इनके पास वक्त ही नहीं होता और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया, आज ये हमारे साथ प्रोग्राम में और स्टूडियो में मौजूद है। जी जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम मिस्टर मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। यकीन जाने की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जिस तरह से आप लोग ये काम कर रहे हैं। आप लग रही है ऐसा ही आपका सिलसिला चलता रहे और यकीन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी, हमारी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना बहुत कीमती टाइम दिया और वो भी 25 दिसंबर पे, क्योंकि 25 दिसंबर में बहुत मुश्किल टाइम मिलता है, तो कैसे आपने मैनेज करके हमें थोड़ा सा कीमती वक्त दे दिया। ये बेसिकली आप देखिए ना, 25 दिसंबर जो है हमारे कायद का दिन है, तो इसके लिए तो ये पूरी कौम जो है उसको टाइम निकालना है। हमें ये टाइम इसलिए निकालना बहुत जरूरी है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको पता हो कि हमारे बाबा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, कौन कितनी एफर्ट की, वो बताने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये जहाँ कहीं पर मेरा रोल है उसको जरूर अदा करना चाहिए। हर शहरी को जो है अपने बच्चों की तरबियत के लिए या अपनी कौम को यूनाइट रखने के लिए बाबा के जो है अकवाल उनका दराज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ज़बरदस्त 25 दिसंबर के हवाले से जो है ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, इसकी वजह से यकीनन मेरी आने वाले जो नस्ल है उसको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह क्यों नहीं फ़ायदा होगा। अच्छा, आज के दिन आप क्या करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ दिन में आता है कि कुछ करना चाहिए? आज कायद डे है, जाहिर है इस आले शुभ के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर दुआ वगैरह करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? मुझे तो बस केक खाने का शौक होता है। केक जरूर खाना चाहिए। कायद की जो बरसी है इस पर हमने जैसे मैं पहले बात कर रहा था, असल में बात यह है कि जो कायद के अफकार थे, जी जी, जिस तरह उन्होंने मेहनत लगन से जो काम किया, हमें वो चीज़ें आपके आप पैदा करनी है। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है जहाँ कहीं भी हों, जिन कहीं किसी महफिल में भी हों, तो कायद के जो अफकार हैं उनके जरूर जो है वो आता हो, वो ज़रूर उस पर बात हो। तो केक भी खाना है, वो यकीनन कोशिश करेंगे कि आपके साथ ही खाएं। जरूर, क्योंकि मुझे केक का ज़्यादा शौक होता है। जी आशा, वो आज मेरे हाथ से तहमीना की रूह मुझ में आ चुकी है और मैं बो रही हूँ और मुझे आज कोई रोकने वाला भी नहीं है, क्योंकि आज स्टेज भी मेरा है और मैं ही बोलूँगी, तो आप भी बात करें प्लीज कर। जी मैं सर से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर कायद ना होते तो हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे? आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें ना, जो 1947 से पहले वाला
टन्योर है उसमें आप देखें कि हमारी हालत क्या थी, जो हमारे बावजदाद थे गो के वो लग रहा था कि आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या अपने अफवाल में अपने कामों में बिल्कुल ठीक है, मगर वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे उसका इदराक करें, उसको देखें, जो हमें तारीख बताती है, जो असलाम बताते हैं, यकीन जाने कि उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कदर पिसे हुए थे हम, इस कदर पिसे हुए थे कि अपनी जो है आगे अपनी आवाज़ को आप नहीं किसी भी आवाज़ में पहुंचा सकते थे। और फिर ये आप देखें कि जो हमारे लिए रोज़मर्रा के जो माश के मसाइल थे वो बिल्कुल महदूद थे, हमारे लिए वो कम तक जो है वो शोबे थे जहाँ से हम अपने लिए रोज़गार कमा रहे थे। या अगर कहीं भी कहीं देखने में आया कि ज़रात से जो लोग मुंसलिक थे वो उनके साथ क्या असर हो रहा था कि बनिए के जो है वो उसके ही चक्कर में रहते थे, जितना भी कमाया वो बनिए के घर में चला गया, तो बहुत ज़्यादा कसम कुर्सी की हालत थी पूरी कौम की। ये तो वो थी जो मैं मुआशी बात कर रहा हूँ, मगर हम ज़हनी तौर पर भी बहुत मस्ती का शिकार थे, कहीं पे कोई क्रिएटिव काम नहीं हो रहा था, कहीं पे भी जो है आप ये नहीं सोच सकते थे कि मैं अपने बच्चों के लिए जो है वो बेहतर मुस्तकबिल कैसे दे सकूँ। तो कायद का हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें उस जहद पे चलाया, उस तरह से हमें यूनाइट किया कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे इस वक्त है एक बहुत हम पुरमगज या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी फ़िज़ा में है कि अपनी मर्ज़ी से हम ज़िंदगी गुजार। तो मैं समझता हूँ कि कायद के अगर ये पाकिस्तान ना होता तो हम तारीकी की एक पस्ती में होते, हम ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते। सलाम है बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, अल्लाह उनकी रूह को आला दर्जा दे। आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा हमें जवाब मिला, और व्यूअर्स आप भी इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि अगर कायद ना होते तो हम वाकई तहरीकी की जिंदगी गुजार रहे होते। हमें पाकिस्तान बड़ी मेहनत कामशों से मिला है, बहुत जदोजहद करने के बाद हमें पाकिस्तान मिला है। यहाँ में एक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम एक चीज कोट करना चाहूंगी, एक गजल पढ़ना चाहूंगी। ऐ मेरे जिना तेरे बगैर पाकिस्तान का वजूद था कहां, तेरी अंतक कोशिशों से बना पाकिस्तान के हैरत से देखता रहे तुझे जहां। ऐ मेरे जिना आज तू होता तो पाकिस्तान का सितारा होता, आज तू होता तो पाकिस्तान का सितारा होता, करे सब तुझे प्यार तू मन्नत का सितारा होता, करे सब तुझे प्यार तू मन्नत का सितारा होता। ऐ मेरे जिना पेश करती हूँ सलाम तुझे ऐ कायद, खुदा करे तुझ पर हर दम फूलों की बरसात होती रहे। ऐ मेरे जिना जी नाज़रीन, अगर देखे जाए आजकल के हालात, तो क्या अगर मैं ये सच दोबारा से सवाल करूंगी कि क्या अगर कायद अब होते तो ऐसे हालात होते हमारे मुल्क के? यकीनन ऐसे ना होते। कायद एक बासूल शख्स थे, बावकार तरीके से तमाम मसलों को तय करते थे। आपने कायद के तीनों असूल बारहा देखा होगा, पढ़ा होगा, उन्हीं असूल से वो स्टिक थे। मेरी मुराद ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की है। तो कायद को तो अल्लाह ने हमें हमारे पास थोड़ी देर के लिए तकरीबन एक साल के लिए जो है इस आज़ाद मुल्क को लीड करने के लिए वक्त दिया, मगर उन्हीं अयाम में आप देखें आपने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। मिसाल के तौर पर उसी वक्त हमने तालीमी कॉन्फ्रेंस करवा दी और उसमें हमने अपने गोल सेट कर लिए। इसी तरह अगर आप देखें जो ब्यूरोक्रेसी है या बाकी जितने भी मामला थे उनमें हमने बिल्कुल अलाइनमेंट कर ली, मगर बदकिस्मती से कायद की ज़िंदगी ने हमारे साथ वफा ना किया। और फिर हम आने वाले दिनों में क्या हुआ कि हम आपस में ही जो है ज़ाती मफादात की खातर इस मुल्क को मफादात को पशेपुश डालते रहे, और आज हमें ये दिन देखना नसीब हो रहा है
कि हम उस तरह से नहीं है जैसे हमारे कायद ने इसका विजन देखा या जिस तरह से उन्होंने लीड करने की जो है वो पूरे एक साल में जद्दोजहद की, वैसा भी पाकिस्तान नहीं है। हम सब लोग देख रहे हैं कि जो हमारी अशराफिया है या जो हमें लीडर मिल रहे हैं वो ज़ाती मुनफ़ाद के लिए काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बेहसीत कौम हमें लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कायद तो कभी भी ना चाहते कि हमारी सफ़ों में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान होता है या हमारी आने वाली नस्लों को जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ता। तो यकीनन ये आज कायद की विजन वाला पाकिस्तान नहीं है। वो कि हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की मरहूम मिलत है। बहुत अच्छी बात की है, वाकई ऐसा नहीं है। 1913 से लेके 1947 तक हमें पाकिस्तान मिल गया, हम पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं कायद की वजह से। लेकिन 1948 के बाद इतने लीडर हमें आज तक कायद जैसा लीडर मिला भी नहीं, क्या आगे भी मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि हमें उन जैसा भी लीडर मिले, किसी लीडर में उन जैसी कोई खूबी है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। ये वजह है आपकी बात, मगर मायूस होना भी जो है हमें वो जेब नहीं देता। यकीनन जैसे आज आप ये कोशिश कर रही हैं कायद के अफकार को ताज़ा करने के लिए, अगर हम ऐसे ही करते रहे और हम आने वाली नस्लों को कायद की फरमुदात के मुताबिक जो है उनकी ढालने की कोशिश करते रहे तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि हमें अच्छे लीडर ना मिले। यहाँ पे इसी खित्ते से जो है बहुत अच्छे अच्छे लीडर मिलेंगे इंशाल्लाह, मैं तो इसमें तो उम्मीद हूँ। अगर मायूसी है तो फिर ये आने वाली नस्लों के लिए हम मायूसी छोड़ के जाएंगे ना? जी बिल्कुल, ऐसा तो हम नहीं है, हम बड़े पुरमीद हैं, पुरमगज हैं इंशाल्लाह। असल में बात ये है कि हम उस तरह से अपने नस्ल की तरबियत नहीं कर पा रहे। जी जब हम तरबियत ही नहीं कर पा रहे तो फिर हमें कहाँ से वो चीज़ मिलेगी? हमें ये आप पे हम पे सब पे जो है वो एक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उस तरबियत में लेके जाएं, उस लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरफ लेके जाएं जो हमें आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं उनको नबर आजमा होने के लिए बेहतर से बेहतर लीडर दे सके। तो जहाँ कहीं पे भी दरसगाहें हैं वो तालीमी दरसगाहें, तदरीसी दरसगाहें हैं, वो उलमा हैं, वो बाकी जो वाक़ के लोग हैं वो सारे कोशिश करें तो आहिस्ता आहिस्ता से हमें इंशाल्लाह क्योंकि आज का जो हमारा सारा प्रोग्राम है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, फातिमा जिन्ना जो उनकी बहन है उनका क्या रोल था, क्या किरदार उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में अदा किया? तो ये सवाल जो है ना अभी नहीं मैं पूछूंगी, ना ही अभी मैंने आपसे इसका जवाब लेना है, इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूंगी, ठीक है जी। व्यूअर्स, हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपने कभी नहीं जाना क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ शकील अहमद बाजवा साहब मौजूद हैं। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तरक्की के इस दौर में अपनी मंजिलों को तय करते हुए गुजरांवाला कैंट में अपनी नौयत का वाहिद शॉपिंग सेंटर मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर, जहां पर आपको मिले जरूरियाते जिंदगी की तमाम प्रोडक्ट्स, होम डेकोर आइटम्स, इंपोर्टेड वॉल फ्रेमिंग, इंपोर्टेड फ्लावर एंड प्लांट, इंपोर्टेड सेंटर पीस, टेबल लैम्प, वॉल क्लॉक, गिफ्ट आइटम्स, हाउस होल्ड टी ट्रॉली, बेबी आइटम्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, प्लास्टिक आइटम्स और ज्वेलरी, अल हमीद क्रॉकरी स्टोर, क्रॉकरी की तमाम आइटम्स वसी रेंज में दस्तियाब है। अरसा 20 साल से आपकी खिदमत में पेश। मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर, फैसल मार्केट, डिफेंस फेज 1, गुजरांवाला कैंट, शॉप नंबर 13, हमीद चौहान एंड सन्स, प्रोप्राइटर उमेर फरहान, 0331-464-3580 and 0553-868674।
व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुख ऑन चैनल सिटी 55। जी, जैसे कि ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक बहुत अहम शख्स और मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए हाजिर हैं, क्योंकि आयशा बहुत मुश्किल से हमें टाइम मिला है। इनके पास वक्त ही नहीं होता, बहुत बहुत बिजी रहने वाले पर्सन है, पता नहीं आज हमें कैसे वक्त दे दिया, वो भी थोड़ा सा, वो भी 25 दिसंबर में ऐसे मौके पे हमें वक्त मिला। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज के दिन हमें, मतलब इन्होंने बहुत कीमती टाइम दिया है। जी, हमारी कोशिश है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलने, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सिर्फ सर की तरफ से ही मिल सकती थी। जी व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है माहिर तालीम मिस्टर शकील अहमद बाजवा। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? ये अभी आप जैसे इंट्रो में बता रही थी, आज तो कायद का दिन है जी, तो मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि आपने जो है हमें याद किया है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम सिटी 55 का कि उन्होंने आज के दिन को ख़ास तौर पे सेलिब्रेट किया, कायद के नाम किया, और यकीनन इससे हमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, मेरे आने वाले तमाम जो है जनरेशन इससे फ़ायदा लेगी। कायद के अफकार के बारे में आप यकीनन बात कर रही हैं, तो हमें आदा करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, वैसे मैं समझू हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें इस मौका पर वक्त दिया, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्श रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज के दिन 25 दिसंबर, एक तो क्रिसमस का डे भी होता है, उसके साथ साथ हमारा भी होता है, क्योंकि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। स्पेशल कराची में उनके मज़ार पे फूल चढ़ाए जाते हैं, एताले सवाब के लिए दुआ की जाती है, तो आज के दिन आप क्या करते हैं? यकीनन कायद के अफकार के बारे में बात होती है, इस दफ़ा तो नहीं, फिर 2-1 साल पहले कायद के मज़ार पर हाज़िरी देने का भी मौका मिला, मैंने भी पूरी कोशिश की कि 25 दिसंबर को वहाँ पे कायद के मज़ार पे हूँ, तो यकीन जाने के उससे एक दफ़ा जब आप उन अयाम में ख़ास तौर पे जो सेलिब्रेट हो रहे हैं उनमें वहाँ पे हों, तो आप सारी की सारी हिस्ट्री जो है आपके सामने आ जाती है कि ये शख्सियत कैसी थी और किस तरह से जो है स्ट्रगल की और कैसे हमारे लिए जो ये आज के शब रोज़ हैं आसान उन्होंने किए हैं, और फिर अपनी सफ़ों में किस तरह से इत्तेहाद पैदा किया। हालांकि कायद आम तौर पे जो स्पीच करते थे वो उर्दू में बहुत कम करते थे, मगर उनके जो सामीन थे वो सारे उर्दू समझने वाले थे, मगर इसके बावजूद उनका माफिया ज़मीर समझा जाता था, और लोगों के लिए जैसे ही वो गाइडलाइन देते लोग उस पर लब्बैक कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कायद ने जो पाकिस्तान जिस तरह से बनाया और फिर पहला पूरा साल जैसे चलाया उसके लिए हमारे लिए डायरेक्शंस दे दी, तो अगर कायद को ज़िंदगी थोड़ा और वफा करती है हमारे साथ रहते तो यकीनन बहुत ज़्यादा हमें उनकी शख्सियत से फ़ायदे हासिल होते। आप ये देखिए कि उन्होंने जितना थोड़ा सा टाइम गुजारा उस टाइम में ब्यूरोक्रेसी में या फिर सियासी सफ़ों में, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो अलाइनमेंट कह सकते हैं, आप से कह सकते हैं कि तरतीब लगा के हमें दे दी, मगर बदकिस्मती से हम बहुत जल्द कायद को खो बैठे, और आने वाले जो हमारे अहबाब इख्तियार थे वो शायद उस तरह से काम नहीं कर पाए जैसे ज़रूरत थी या जैसे कायद की रूह से हमें तकाजा था, हम वो काम नहीं कर पाए और ना ही फिर हम अपनी ज़ाती मनफतों से बाहर निकल पाए, तो वो यकीनन वैसा नहीं है जैसा मेरे कायद ने सोचा होगा या मेरे कायद ने हमें पाकिस्तान दिया था। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात बयान किया कि वैसा कुछ नहीं है जैसा कायद ने सोचा। 1913 से लेके 1947 तक पाकिस्तान बन गया कायद आजम की मेहनत काविश जदोजहद की वजह से। 1948 के बाद बहुत से लीडर्स आए, बहुत सी पार्टीज आई, पाकिस्तान का हाल क्या हो गया सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको लगता है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसा लीडर आ सकता है या आएगा, कुछ चेंजिंग वगैरह होंगी पाकिस्तान में? और देखिए तारीख अगर हम देखते हैं तो बड़े बड़े लीडरों से भरी हुई है, मगर हर किसी की अपनी एक ज़ाती तौर पर शख्सियत है, तो कायद जैसी शख्सियत तो शायद ना आ सके,
मगर लीडर मिलने में मैं समझता हूँ कि हमें उतना मायूस नहीं होना चाहिए। लीडर तो ज़रूर मिलेंगे, अभी जैसे हमारे पास लीडर है, मगर ज़रूरत ये है कि हमें ऐसे बेलौस नडार लीडर मिले जो इस कौम को एक सही समत पे डाल सके। तो उसमें तो मेरा ख्याल है हमें मायूस नहीं होना है, मगर कायद जैसा लीडर शायद सदियों में भी ना पैदा हो, जिस तरह से उन्होंने गुलामी से हमें निकाल बाहर लाए, वो तारीख गवाह है कि इतनी बड़ी माइग्रेशन कहीं नहीं हुई जितनी पाकिस्तान बनने में जो माइग्रेशन हुई, जितनी लोगों ने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी, आप सब के मेरे इस्लाफ ने उसमें कुर्बानियाँ दी। वो कुर्बानियाँ सिर्फ कायद की वजह से दी ना, कि उस बंदे ने क्या किया कि उस तरह से जेन साजी कर दी कि हर बंदा जो है उस सब्जेक्टिव के लिए आगे जा रहा था कि यार हम अपना आज़ाद मुल्क लेंगे, हम अपनी आज़ाद फ़जाओं में सांस लेंगे। तो ये सिर्फ कायद के मरहूने मिन्नत था, मैं तो इसी से इत्तफाक करता हूँ। जी बिल्कुल, हम भी आपकी बात से इत्तफाक कर सकते हैं क्योंकि आप माहिर तलीम हुए, और हम कैसे कहें कि हम आपकी बात से इत्तफाक नहीं करते, हम खुद इत्तफाक करते हैं। हमारे जितने भी व्यूवर देखने वाले हैं वो भी इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि आपने जो बात किया बिल्कुल ठीक किया है कि ऐसा लीडर सदियों बाद पैदा होता है या हो सकता है कि पैदा ही ना हो। कायद आजम में वो सारी खूबियाँ मौजूद थी जो आज तक हर लीडर में कोई ना कोई खूबी मौजूद होती है, लेकिन हमें कायद आजम जैसी खूबियाँ किसी लीडर में मौजूद नहीं नज़र आई। जी यहाँ मैं जिना के नाम में एक कोट गज़ल करना चाहूँगी, गज़ल कोट करना चाहूँगी। ऐ मेरे जिना, ऐ मेरे जिना, तेरे बगैर पाकिस्तान का वजूद था कहाँ, तेरी अंतक कोशिशों से बना पाकिस्तान, के हैरत से देखता रहा तुझे जहां। ऐ मेरे जिना, ऐ मेरे जिना, आज तू होता तो पाकिस्तान अर्श का सितारा होता, आज तू होता तो पाकिस्तान अर्श का सितारा होता, करते सब तुझे प्यार तू मन्नत का सियारा होता, करते सब तुझे प्यार तू मन्नत का सियारा होता। ऐ मेरे जिना, ऐ मेरे जिना, पेश करती हूँ सलाम तुझे ऐ मेरे कायद, पेश करती हूँ सलाम तुझे ऐ मेरे कायद, खुदा करे तुझ पर हर दम फूलों की बरसात होती रहे, खुदा करे तुझ पर हर दम फूलों की बरसात होती रहे। ऐ मेरे जिना, ऐ मेरे जिना। जी आयशा कैसी लगी आपको? बाकी मतलब मुझे ना इसमें एक चीज़ आपसे भी मैं कहना चाहूँगी सर, मुझे इसमें एक चीज़ बहुत मज़े की लगती है, अट्रैक्टिव लगती है कि अगर आज कायद होते ना तो पाकिस्तान अर्श का सितारा होता। आपने जो खराज अकीदत पेश किया कायद को अपनी नज़म के अल्फाज के ज़रिए, वो यकीनन मेरे दिल की भी आवाज़ यही है और पूरी कौम की भी आवाज़ यही है। बिल्कुल, हमारे कायद थे ही ऐसे जैसे आप आज आपने बयान किया, तो इसमें कोई शक नहीं है। बेशक इसमें वाकई कोई शक नहीं है। अच्छा, कायद आज़म और फातिमा जिना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और फातिमा जिना दोनों बहन भाइयों का बहुत जिक्र है, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद आज पता चला कि ये सात बहन भाई हैं, मुझे यही था कि सिर्फ दो बहन भाई हैं क्योंकि हम इनको ही सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। तो कायद आज़म की ज़िंदगी में फातिमा जिना का जो किरदार है वो क्या था, किस तरह उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया और किस तरह निभाया? आप देखें जो फातिमा जिना मोहतरमा का किरदार है वो ख़वातीन का जो है वो कद बुलंद करता है। तहरीक पाकिस्तान में जितने भी कायदीन थे जिन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया, उसमें आप देखेंगी कि ख़वातीन काफ़ी शामिल थी, जिनमें मोहतरमा फातिमा जिना सफ़े अव्वल में हमें नज़र आती हैं। उसकी वजह अभी आप देखें ना, कायद के जितने भी ज़ाती काम थे, आपकी जितनी भी मसरूफियत थी, या खाने पीने के जो भी टाइम टेबल वगैरह बनते या सफ़र में कहीं में भी होते, तो तमाम ज़रूरियात का ख्याल मोहतरमा फातिमा जिना ने रखा। जी हम आपसे सॉरी हम आपसे मज़ीद पूछते हैं लेकिन ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ जाता है। जी व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नहीं तो ऑन चैनल सिटी 55 विद अस एंड विद अस, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट
और बहुत खास गेस्ट माहिर तालीम मिस्टर शकील अहमद बाजवा। तो मैं इनको देख रही हूँ तो ये बोल दे मैं ना बोलूँ, ये मुझे देख रही होती है। जी आशा जी, यहाँ पे मैं ऐसे को कहना चाहूँगी कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले नहीं थी जितनी आज मुझे मिल रही है। तो अभी सर बात कर रहे थे फातिमा जना और कायदे आज़म के बारे में, तो डिटेल में और ज़रा जानना चाहेंगे। देखें जो मोहतरमा फातिमा जिना का किरदार है ना, वो रोज़े रोशन की तरह आया है। कायद की ज़िंदगी में अगर मोहतरमा ना होती तो शायद कायद इस तरह से इस लगन से काम ना कर सकते या इतने फोकस ना हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आम तौर पे जो मकबूला है किसी कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ है, तो कायद की ज़िंदगी में उनकी छोटी बहन का बहुत बड़ा किरदार है। और आज देखिए आपके लिए, मेरे सबके लिए, जितनी भी ख्वातीन हैं उनके लिए एक मशले राह है कि उन्होंने तहरीक में किस तरह से जान डाल दी। अपने कभी भी उन्होंने जो है वो आराम का ख्याल नहीं किया, सिर्फ ये ख्याल रखा मेरा भाई जो है जो काम कर रहा है इसमें कहीं पे भी जो है उनमें खलल ना आए और उनके आराम का ख्याल रखा। तो सलाम है मोहतरमा फातिमा जिना की कावशों को, जिनकी वजह से बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने ये मुल्क जो है इस तरह से अंग्रेज़ों और हिंदुओं के चुंगल से आज़ाद करवाया। वो सिर्फ उन्हीं दोनों बहन भाइयों की आपस में एक कोलैबोरेशन ही जो है वो सामने आती है। या मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी सर से कि 25 दिसंबर को इंफॉर्मेशन बच्चों को खासतौर पर जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वो थ्रू स्कूल ही मिल सकती है, तो वो 25 दिसंबर को स्कूल बंद क्यों कर दिए गए सर? देखें हम किसी एक दिन से जो है वो इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आज के दिन की इंफॉर्मेशन आज ही दी जाए। आप ये देखें जो आज का दिन है इसके बारे में हमें पूरा साल जो है वो बात करनी है, हमें पूरा साल जो है बच्चों को अपने अकाबरीन के बारे में बताना है, वो तहरीक पाकिस्तान के जो अकाबरीन थे उनके बारे में बताना है, उनको आइडियलाइज करना है। तो बाबा कौम जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को आइडियलाइज करने के लिए सिर्फ एक दिन जो है वो मखसूस करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो ऐसी ज़्यादती तो नहीं करेंगे बच्चों में, अभी हम ये चीज़ लाना चाहते हैं कि वो किसी को आइडलाइज करें, उनकी जद्दोजहद को वो देखें, तो फिर तो हमें वो सारे दिनों में ही बात करनी होगी। हमें सिलेबस में भी वो बात करनी है, हमें जब कहीं पे भी ऐसी महफल हो रही है वहाँ पे भी उनके बारे में बात करनी है कि ताकि हमारी शनासाई रहे, हमारी जो है उनसे तहरीक के हवाले से आगाही रहे। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल बंद होना एक दिन उससे मानी नहीं रखता, मानी ये है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी। तो वो तमाम के तमाम असातिज़ा के जो है वो मैं समझता हूँ कि उनके मरहूम मिन्नत है कि वो कैसे अपने तलबा को जो है ये बातें आगे ट्रांसफ़र करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम एक दिन क्यों, हम पूरा साल बताते रहे, ये सिर्फ टीचर्स का काम नहीं है, पेरेंट्स का भी काम है। वालदैन को भी चाहिए कि वो बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान को बनाने में कायदे आज़म की कितनी मेहनत, कोशिश और काविश है, किस तरह जाके हमें पाकिस्तान नसीब हुआ, कितनी कुर्बानियाँ हमने दी। ये सिर्फ टीचर्स नहीं, वालदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को बताएं, कायदे आज़म की एक एक बात बताएं। क्यों हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को आगाही दें, उन्हें पूरा को पूरा बताएं कि ये थे हमारे कायद, ये थे हमारे लीडर, वो लीडर जिन्होंने बैतुल माल के ख़जाने में से कभी एक रुपया, जैसे कि फातिमा जिना की बात हो रही है कि बैतुल माल के ख़जाने में से एक पैसा भी फातिमा के ऊपर खर्च नहीं था किया। क्यों? बैतुल माल का पैसा अवाम का पैसा है, फातिमा का पैसा नहीं है। ये थे हमारे लीडर, कि वो बहुत अच्छी बात है कि कहा जाता है कि जी वजीर जो घर है उस घर के लिए आसमान मंगवाया गया 35 रुपये का, उसमें एक कुर्सी जायद थी 6 या 7 रुपये की। पूछा गया ये कुर्सी किस लिए है, बताया गया जी ये आपकी बहन फातिमा के लिए, जो आपकी पूरा दिन देखभाल करती है, आपके साथ साथ होती हैं, तो हमने ये कुर्सी उनके लिए लाई। कहा क्यों? ये बैतुल माल का पैसा फातिमा पे खर्च नहीं होगा, फातिमा को कुर्सी चाहिए तो अपने हिस्से में से पैसे दे, अपने आप से दे,
बैतुल माल का पैसा फातिमा पे खर्च नहीं होना चाहिए। ये थे लीडर। ऐसे लीडर बहुत खुशकिस्मत कौम को मिलते हैं, बहुत खुशकिस्मत अवाम को मिलते हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत खुशनसीब हैं कि हमें कायद जैसे लीडर मिले थे, और आगे भी दुआ है कि हमें कोई ऐसा लीडर मिले जो अवाम का सोचे, अपना ना सोचे। क्योंकि अब वो बात नहीं करूँगी, करूँगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और ये ना हो कि वह सारे के हाँ जी टॉपिक तुम्हारा कायद कर, तुम कहाँ पीटीआई और पीडीएम पे जा रही हो। जी मुझे ये बताएंगे, कायद अजम ने कभी झुकना पसंद नहीं कर दिया अंग्रेज़ों के सामने, उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए मैंने कभी तुम लोगों के सामने झुकना नहीं है। आप ये देखें कायद की ज़िंदगी में हम देखते हैं जब, तो कायद ने बासूल ज़िंदगी गुजारी। बिल्कुल, कभी भी वो कवानीन जो ब्रिटिश के बने हुए थे उनको तोड़ा नहीं है। तो जब एक बंदा बासूल है, कवानीन जितने भी थे उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनको तोड़ नहीं रहा, तो वो झुकना पसंद भी नहीं करेगा। तो ये अल्लाह ने उनको एक बहुत बड़ी खूबी दी थी कि वो कहीं पर भी उन्होंने सरखम तस्लीम नहीं किया, कहीं पर भी अपनी ज़ाती मनफत के लिए सर नहीं झुकाया, कोई अपने ज़ाती फ़ायदे ओहदे के लिए अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके। हालांकि यहाँ पे हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी थी और वो डोमिनेंट थे, मगर इसके बावजूद उनसे भी कभी मकलूब नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये कायद को अल्लाह ने एक ख़ास खूबी दी थी कि उनके अंदर एक जुरत थी, एक ताकत थी कि वो किसी सूरत में भी अपने जो भी मौक़िफ़ था उससे पीछे नहीं हटते थे, उस मौक़िफ़ को बयान करते, उस मौक़िफ़ पर डट जाते। ये उनके वसफ़ में से एक बात थी, और यही वजह है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने क्या, उन्होंने किसी के सामने भी झुकना पसंद नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात है। और ये जो मेरे जहन में सवाल आया ना, एक छोटा सा वाक्य पढ़ने के बाद आया कि मैंने सुना कायद अजम ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, और सफ़र के दौरान अंग्रेज़ उनके सामने आया, तो अंग्रेज़ ने कहा कि जी उनका न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ना उनकी ग्लासेस नीचे गिर गई, तो अंग्रेज़ ने कहा अब तो मेरे सामने झुकेगा ना। उन्होंने उसको देखा और अपनी पॉकेट में से ग्लासेस निकाल लो, मैंने नहीं झुकना, मेरे पास दूसरा ग्लासेस बड़ा हुआ है। तो मुझे इतनी अट्रैक्टिव बात लगी, इतनी अच्छी लगी कि इंसान को वाकई बासूल रहना चाहिए, जो उसके असूल है ना उनके मुताबिक चलना चाहिए। और क्या बाकी कायद की ज़िंदगी हम देखें ना, तो हमें हर जगह बहुत सी मिसालें मिलती हैं, पूरी ज़िंदगी इबारत है। उन्होंने किसी सूरत में भी, अब हम जैसे देखें हम 14 निकात पे उन्होंने बात की, या जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पे अगर हम बात देखें, तो जो स्टांस एक दफ़ा बन गया ना उसी पे फिर डट गए, उससे एक इंच भी पीछे नहीं हटे। तो ये जो आप जैसे बात कर रहे हैं ना चश्मे वाली, यकीनन कायद जो है ना वो हर तरह से अपने आप को आगाह रखते थे, चुकन्ना रहते थे, और फिर हालातों गिरदो पेश को बिल्कुल सही तरह से मैनेज करते थे। तो ये उनकी ज़िंदगी का एक खासा था। बिल्कुल समझ। जी नाज़रीन, हम एक और सवाल करना चाहेंगे अपने गेस्ट से कि कायद अजम इतना जो है पाकिस्तान की अलहदा वतन को इतना उन्होंने अपने सर पे सवार किया था कि उनकी बीमारी इतनी मौलिक बीमारी थी उन्होंने उसे भी छुपा कर रखा, ऐसा क्यों? देखें जब कोई लीडर होता है तो वो फिर अपनी ज़ात को बिल्कुल पसे पुश डाल देता है, अगर हकीकी मानों में लीडर है। मेरा कायद, आपका कायद एक हकीकी लीडर था, तो उन्होंने अपनी बीमारी को पसे पुश डाला कि नहीं मेरी कौम को मेरी ज़रूरत है, अगर मैं इलाज के लिए या बाकी मामलात के लिए बैठ जाऊँगा तो अभी जो बाकी सारे के सारे मामलात हैं ये ऐसे ही फिर धरे के धरे रह जाएंगे। तो कायद ने अपनी ज़ाती सेहत या ज़ाती कोई और ज़रूरत को बिल्कुल जो है वो अहमियत नहीं दी। तो यही वजह थी, ये ऐसी बात नहीं थी कि कायद जानबूझ के ऐसा कर रहा था, मगर वो कुर्बानी का जज्बा जो उनकी ज़ात के अंदर शामिल था, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि कौम को लीड करने का जो जज्बा था उस वो उन पर गालिब था, अपनी ज़ात उनकी बिल्कुल बैकफुट पर थी। तो यही मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी वजह थी। हालांकि डॉक्टर्स उनको गाहे बगाहे उन्होंने शुरू में बताना भी शुरू कर दिया कैसे मसाइल हैं, मगर कायद ने उसको उतनी अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा मेरा काम मेरे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो वो उसमें ही जुटे रहे। तो यही वजह है कि वो बीमारी आखिरकार जो है उनको हमसे छीन कर लेगी, हमसे जुदा हो गए,
मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जानबूझ के कायद ने ये ऐसा किया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, और आज प्रोग्राम के हवाले और आज के दिन के हवाले आप हमारे देखने वाले व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे, को मैसेज आप दे या पैगाम? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो कायद के अफकार थे वो हमने अपनी नई नस्ल को जो है उससे रोशनास कराना है, और मैं अपने बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम पेश करता हूँ और उनकी रूह को दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में आला जगह। आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने बहुत कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिया। जी व्यूअर, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सो ऑन चैनल सिटी 55। जी व्यूअर्स, ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे शकील अहमद बाजवा साहब, जिन्होंने हमें कायद आजम की शख्सियत के बारे में बहुत इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं। आशा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं थी पता, इन्फॉर्मेशन वो दी गई है बहुत ज़्यादा, और मेरे ख्याल से ऐसे गेस्ट जो है ना हमारे प्रोग्राम में लाजमी आने चाहिए माहिर तलीम, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें इलम नहीं है। और वाकई के नहीं था, मुझे तो खुद आज उनसे बहुत ज़्यादा बातें पता चली हैं, मुझे खुद कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और मैं कह रही थी अच्छा ये भी है वो भी है ये भी है। हम लोग ना, अगर हम लोग एक चीज़ करें आशा, अगर हम लोगों को एक चीज़ बताई जाए, हम एक मज़मून याद कर लेते हैं जो अगर उर्दू की बुक में है तो मज़मून कायद आज़म का मज़मून आता है उसमें, हमें जो आज तक भी बातें याद हैं उसमें ये जी आपका नाम मोहम्मद अली था बचपन में, उसके बाद आपका नाम कायद आजम मोहम्मद अली जिना, इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन याद कर लिया, कुछ कोर्स याद कर लिया, हमारा उसके बाद वो इब्तदाई तलीम और उसके साथ इंग्लिस्तान और पाकिस्तान जिसमें, और उसके बाद उनकी जो थी जी 14 अगस्त को हमें पाकिस्तान मिला, फिर उसके साथ 25 दिसंबर को कायद आजम पैदा हुए, ये वाली चीज़ें हिस्ट्री में भी कायद आजम की बातें हैं। लेकिन हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, हम उन चीज़ों को देख नहीं रहे होते। अच्छा, हमारे लिए 14 नकात याद करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप बताएं, आपको भी मुश्किल लगते थे कि नहीं? मुझे वैसे आज तक याद नहीं हुए, ड्यूरिंग टेस्ट या ड्यूरिंग पेपर ही जो याद कर लिए वो हो गए, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं था, माइंड में ही नहीं थे रहते। हाँ, और उनमें से भी ना ये कहा जाता है कि आप 7 नकात जो है ना, 7 नकात आप याद कर लें, अगर पेपर में आए तो 5 के बारे में पूछा जाएगा, 2 के बारे में पूछा जाएगा, और मुझे सिर्फ आज तक 1 नकात याद है, वो भी पूछा जाए ना कौन सा, तो वो कहते हैं कि तुम्हें इसलिए याद है कि वो छोटा है, कि सिंध को मुंबई से अलग करके एक अलग सूबा बना दिया जाएगा, और ये मेरे हाथ से 10वें या 9वें नंबर पे होता था, और मैंने इसको रट्टा होता था क्योंकि वो छोटा था, ये छोटा था 14 नकात। बच्चे जो 14 नकात है स्टूडेंट्स, वो उनको याद करते हुए भी ना ज़रा दुश्वारी पेश आती है, मुश्किल पेश आती है कि नहीं हमसे नहीं कायद आजम के नकात याद होते। अगर आपसे कायद आजम के नकात भी ना याद होते तो आप कायद आजम के फरमान जो है ना वो सुना करें, लिखा करें, पढ़ा करें, आपको उससे बहुत 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 फ़ायदा होगा कि एक लीडर ने आपके लिए कितनी कितनी अच्छी बातें बयान की हैं, इतने इतने अच्छे फरमान, अगर उन पर हम अमल कर लें ना हमारी ज़िंदगी समर सकती है। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे एक कोट है, कायद आजम ने कहा था कि काम 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 और बस काम, और अगर काम कर रहे हो ना तो उसे उस लगन से करो, उस दानिशमंदी से करो कि वो काम सलीके से हो जाए। और मुझे ना कायद आजम का एक फरमान बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और वो फरमान क्या है कि दुनिया में 2 कुवतें हैं, एक तलवार और दूसरा कलम। कितनी अच्छी बात है कि हम तलवार से गर्दन उड़ा सकते हैं, कलम हम अगले की रूह में उतार रहे होते हैं, जब हम कलम से लिखे गए जो अल्फाज हैं ना हम अगले की रूह में उतार रहे होते हैं, हम जब कुछ बोलते हैं ना हमारे अल्फाज का असर होता है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर जख्म कोई दे ना, कोई कट आपको लगा दे,
जख्म जो है ना उसके निशान भी खत्म हो जाता है, जख्म भी मिल जाता है, लेकिन जो जुबान से बोले हुए बोल है ना वो खत्म नहीं होता, वो वाकई बड़ी देर तक याद रहते हैं। और मुझे कायदे आजम की ये बात बहुत अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल, यहाँ से एक बात याद आई कि कायदे आजम ने अपनी अकल और कलम के जरिए ही हमें पाकिस्तान आजाद करके दिया। बिल्कुल, ये बात अगर होता तो तब भी वो चलाते तलवार चला देते जी पाकिस्तान चाहिए, ऐसे कर देते वो कर देते, लेकिन कायदे आजम ने अपनी जहानत और कलम की वजह से पाकिस्तान दिया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पर मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक ता क़यामत आबाद रहे, इसका नाम रहे पाकिस्तान का, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उन पे तो नहीं बात करूँगी। क्या हमें इस चीज़ को देखना नहीं चाहिए कि हमें पाकिस्तान कितनी काविश के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद मिला? कायदे आज़म आओ ज़रा तुम, कायदे आज़म आओ ज़रा तुम, देखो अपना पाकिस्तान, जिसकी बुनियादों की खातिर लाखों ने दी जान, जिसकी खातिर खेत जले, खलियान जले, घर बार जले, माओ के सीने चाक हुए, जवान बेटे हाफ हुए, कलियों का सारा रूप मिटा, फूलों का संगासन डोल गया, एहसास के जुमरे सूख गए, दरिया की रवानी रुक सी गई, दरिया की रवानी रुक सी गई, यूहून की होली खेली गई, यूहून की होली खेली गई, हर गांव मगर हम साथ रहे, हर गांव मगर हम साथ रहे, हम बन के तुम्हारी शान रहे, कायदे आजम आओ जरा तुम, देखो अपना पाकिस्तान। जी नाज़रीन, सोनी आपने बहुत ही अच्छी बात कोट की थी। इधर से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं ना हिस्ट्री बता सकते, तो उन्हें कायदे आज़म मूवी है वो ज़रूर अपने बच्चों को दिखानी चाहिए। इससे जो है बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, इनफैक्ट अपनी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा कि किस तरह से हमें पाकिस्तान। अच्छा, आई थिंक सो मूवी का नाम मिस्टर जिना के नाम, मिस्टर जिना वो मूवी। वाकई आशा ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको वो मूवी ज़रूर अपने बच्चों को दिखानी चाहिए और बच्चों को देखनी चाहिए, जिन्हें पता चले कि पाकिस्तान, कायदे आज़म ने कैसे पाकिस्तान को हासिल किया। और यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगी कि हमें प्लीज़ ये वाला नगमा, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है ते। जी आशा, आपने ये इंजॉय किया है नगमा? जी बल्कि ये मेरा फेवरेट है। अच्छा, फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, लेकिन आशा मुझसे गलती हो गया, मैंने आपकी आवाज़ में सुनना था तो मैंने ये क्यों मिस्टेक कर दिया, लेकिन मैं फिर भी आपसे दो लाइन ये सुनूंगी, आप कोट करें इसको प्लीज़, क्योंकि तहमीना की जगह कोई ना कोई सिंगर मैंने लाजमी बिठाना है, तो मुझे सुनाए। यूं दी हमें आज़ाद के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ाद के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। मज़े का नगमा है और इसको सुन के रूह को सुकून मिल जाता है और हमें अच्छा, वैसे आपने कभी नोट किया कि इसको, इस नगमे को सुन के ना हमें सारी जो पुरानी हिस्ट्री है ना वो याद आ जाती है, याद आ रही है, एक एक लफ्ज़ ना, और जिसने ये लिखा है बहुत सोच समझ के लिखा है, वाकई एक एक लफ्ज़ बयान कर रहे हैं कि एक एक चीज़ बताई जा रही है कि पाकिस्तान पे कायदे आज़म का कितना बड़ा एहसान है। जी आशा, यहाँ पे ना मैं एक बात मुझे याद आ गई, एक हिंदू बच्चे ने कायदे आज़म से पूछा कि आप जो है पाकिस्तान और इंडिया को अलग क्यों करना चाहते हैं, तो कायदे आज़म सोचने के लिए खामोश हो गए, तो बच्चे समझे, हिंदू बच्चा जो था वो समझा कि कायदे आज़म लाजवाब हो गए और वो तालियां बजाने लगे। तो इतने में कायदे आज़म ने पानी का एक ग्लास मंगवाया और उसमें से दो तीन घूंट पानी पीकर वो ग्लास, पानी का ग्लास जो है उस बच्चे को, हिंदू बच्चे को आपने दिया और पेश किया, लेकिन उसने पीने से इनकार कर दिया। तो जैसे ही उसने इनकार किया तो वहाँ पर एक मुसलमान बच्चा भी खड़ा हुआ था, तो कायदे आज़म ने उसे वो ग्लास जो है पेश किया, तो उसने खुशी खुशी बल्कि पिया, तो कायदे आज़म ने कहा हिंदू और मुसलमान में यही फ़र्क है। ठीक, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बात कह दी है कि वाकई हमारी इबादत और हिंदुओं की इबादत में फ़र्क है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की
के कुर्बानी, तो वो हमें कुर्बानी नहीं करने देते मुसलमानों को। और जो दो कौमी नज़रिया पेश किया उसके मुताबिक पाकिस्तान बना, वो बिल्कुल परफेक्ट नज़रिया था कि हर चीज़ हमारे हीरोज, क्योंकि मुझे पास स्टडी में सिर्फ एक ही चीज़ याद है और ये हमारी दो कौमी नज़रिया है क्या, तो दो कौमी नज़रिया हमारी इबादत और उनकी इबादत का फ़र्क, हमारे हीरोज उनके हीरोज का फ़र्क, कि हर चीज़ का डिफरेंस है, हर चीज़ का फ़र्क है। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं हम कि हमें पाकिस्तान नसीब हुआ, और उसके साथ ही कायदे आज़म का ये हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि उनकी शख्सियत की वजह से, उनके किरदार की वजह से, नुमाया खूबियों की वजह से हमें पाकिस्तान मिला, मिल गया बिल्कुल। और पाकिस्तान की हमें कदर करनी चाहिए जितना हो सके। अच्छा आशा, आप कुछ कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने मुल्क को संवारने की कोशिश करें। यही नहीं कि हमने किसी पर डाल दिया, जी अगर वो नहीं ना कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ख़ास तौर पे ये जो हमारा मुल्क गंदगी का एक ढेर मुझे लगता है बनता जा रहा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको साफ रखने की कोशिश करें। हमें चाहिए कि हम इसको और बेहतर बनाएं ताकि हमें हमारी जीने की, हमारी ज़िंदगी और दूसरे मुल्क जो हैं वो और दूसरे ममालिक जो हैं वो यहाँ का टूर करें कि कितना खूबसूरत मुल्क है हमारी पाकिस्तान में, इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं जो हमें जो है वहाँ पे विज़िट करना चाहिए। तो हम चाहेंगे क्यों ना बाहर से लोग आएँ हमारे पाकिस्तान को विज़िट करने, हमारे पाकिस्तान को देखने। जी आशा, आपने बहुत ज़बरदस्त बात कर दी और बहुत अच्छा मैसेज भी दे दिया कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने पाकिस्तान को किस तरह खूबसूरत बनाना है। ये ज़रूरी नहीं है हम हुकूमत पे डाल देते हैं हर चीज़, हम कहते हैं हुकूमत ये करे, हुकूमत वो करे, ये सारी जो सर दर्द है, सर खपाई है हुकूमत की तो नहीं है। क्या हम लोग पाकिस्तान में नहीं रहते? हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है, हमें नहीं कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के लिए? हमें जब एक एक चीज़ का पता है, हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, खुदारा पाकिस्तान इतनी कुर्बानियों के बाद हमें नसीब हुआ है कि क्या, अगर देखा जाए क्या क्या नहीं हुआ पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, तो हम पाकिस्तान का ख्याल नहीं रख सकते। हमें खुद पाकिस्तान का ख्याल रखना है, हमें खुद चाहिए कि हम पाकिस्तान का ख्याल रखें। और हम सल्यूट पेश करते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और पूरे पाकिस्तान को कि हमें पाकिस्तान को संवारना चाहिए, पाकिस्तान की कुर्बानियों का ख्याल रखना चाहिए। और उसके साथ साथ आज के दिन के लिए मैं बोलूँगी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, साले सवाद के लिए दुआ कीजिएगा। अगर आप सूरत यासीन नहीं पढ़ सकते तो सूरत फातिहा पढ़ के उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके दर्जात और बुलंद करें, क्योंकि उनके दर्जात पहले ही बुलंद हैं। हमारी दुआओं से अल्लाह पाक उनको और आला मुकाम अता करे। और मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ 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 पाकिस्तान की कदर करें, क्योंकि बहुत मुश्किलों से मिला है हमें ये वतन, बहुत कुर्बानियों से मिला है। यहाँ पे दे हम दोनों को इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आपके साथ इसी प्रोग्राम में, लेकिन नई सोच के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।